गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट लिस्ट अभी के WWE के कपल्स के बारे में, जो कि कौन किसको कर रहा है डेट और कौन करेगा किससे शादी। तो इस वीडियो का अंत तक देखिए। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हो रोस्टिंग मसाला। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि WWE और रेसलिंग की इतनी डिमांड है कि वो सुपरस्टार्स को गाइस ट्रैवलिंग करना पड़ता है, और गाइस उसी की वजह से गाइस वो घर भी नहीं जा पाते, और गाइस इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि WWE सुपरस्टार्स आपस में इतना टाइम बिता लेते हैं, उनको अपना लाइफ पार्टनर वहाँ पर ही मिल जाता है जहाँ पर एक काम करते हैं, और गाइस ये इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस आज की लिस्ट काफी बेहतरीन होने वाली, और गाइस हो सकता है कि लिस्ट में ऐसे नाम भी हो जिसके बारे में आप नहीं जानते और ये भी कभी डेट कर रहे थे। गाइस नंबर एक पर आता है किलियन डेन एंड निक्की क्रॉस का नाम। तो गाइस इनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो गाइस NXT में एक टीम थी सैनिटी, उनको गाइस मेन रोस्टर में तो डेब्यू करा था, लेकिन गाइस उसका ढंग तरह से यूज नहीं किया गया, यानी कि मेरे को अच्छी तरह से यूज नहीं किया गया, और गाइस ये टीम आगे जाके टूट गई थी। और गाइस उसी टीम के मेंबर थे किलियन डेन एंड निक्की क्रॉस, और गाइस वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उनकी शादी भी हुई थी जून महीने में 2019 में हुई थी। तो गाइस स्प्लिट होने के बाद गाइस निक्की क्रॉस मेन रोस्टर में आ गई है और वो एलेक्सा ब्लिस के साथ वो अभी वुमेन्स टैग टीम चैंपियन है। और बात रही किलियन डेन की, तो गाइस वो NXT में फीचर किए जाते हैं अभी भी। तो गाइस अगला वाला नाम आता है ब्री बेला एंड डैनियल ब्रायन का। तो गाइस आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, डैनियल ब्रायन एंड ब्री बेला काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और गाइस उनकी शादी भी हो चुकी है, और गाइस इनके लव की शुरुआत गाइस काफी सालों पहले ही हो गई थी और उनकी शादी भी हो गई है, और गाइस ब्री बेला अभी प्रेगनेंट है, और गाइस ब्री बेला हाल फिलहाल WWE से बाहर है। तो गाइस पढ़ते हैं तीसरे नंबर के ऊपर। तो तीसरे नंबर पर आता है टाई जिलिंजर एंड पेटन रॉयस। तो गाइस आप सभी तो पता है, और गाइस पेटन रॉयस ऑस्ट्रेलियन है और टाई जिलिंजर कैनेडियन है, उन्होंने गाइस एक दूसरे को डेट करना गाइस जब भी वो WWE में थे टाई जिलिंजर, और हाल फिलहाल वो AEW में, तभी से गाइस वो WWE में थे तभी वो गाइस एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और गाइस इनकी शादी गाइस रिसेंटली अगस्त 2019 में ही हुई थी। तो गाइस बढ़ते हैं चौथे नंबर की। तो चौथा नंबर पर आते हैं एलिस्टर ब्लैक एंड जेलिना वेगा। गाइस एलिस्टर ब्लैक तो आपको पता है कितने बेहतरीन सुपरस्टार है, और जेलिना वेगा हमें अनरा दे के साथ देखने को मिलती है, वो उनकी मैनेजर है। तो गाइस आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि अनरा दे की वाइफ है जेलिना वेगा, नहीं गाइस वो उनकी मैनेजर है, और गाइस जेलिना वेगा के हस्बैंड है एलिस्टर ब्लैक। तो गाइस बढ़ते हैं नंबर पांच की तरफ। तो नंबर पांच पर आता है ब्रे वाइट एंड जोजो। तो गाइस ब्रे वाइट को तो आप जानते होंगे, और बात करी जाए जोजो की, तो गाइस आप सबको कुछ साल पहले गाइस हमने देखा था कि जोजो गाइस हमें रिंग अनाउंसर के रूप में हमें देखने को मिलती थी, और गाइस WWE में गाइस इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ, एक दूसरे को डेट करने लगे, और गाइस मार्च 2019 में इनकी शादी हुई थी। तो गाइस बढ़ते हैं नंबर 6 के ऊपर। तो नंबर 6 पर आता है पॉपुलर कपल मिज एंड मरीज। तो गाइस इन दोनों काफी समय से गाइस एक दूसरे को डेट करते, लेकिन गाइस फाइनली 2014 में गाइस उनकी शादी हुई, और उनके दो बेटियां हैं मुंडस स्काई एंड मेडिसिन जेन विजिनिन, और गाइस अगस्त 2019 में गाइस ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे कैलिफोर्निया में, और गाइस मिज ने गाइस काफ़ी बढ़िया घर खरीदा है, और गाइस मिज एंड मरीज का गाइस एक टीवी शो भी आता है मिज एंड मिसेस, और गाइस वो आता है USA नेटवर्क पर। गाइस बढ़ते हैं नंबर 7 के ऊपर। तो नंबर 7 पर आता है जिमी उसो एंड नियोमी, और गाइस इनकी शादी हुई थी January 16, 2014, और वो हुई थी हवाई में, और ये काफ़ी अच्छी जगह है गाइस। और गाइस मैं आपको एक कमाल का फैक्ट बता देता हूँ गाइस, जिमी उसो के गाइस दो बच्चे हैं और उसकी नियोमी हो चुकी है स्टेप मदर, लेकिन गाइस आपस में इनका कोई चाइल्ड नहीं है। तो गाइस बढ़ते हैं नंबर 8 के ऊपर। तो नंबर 8 पर आते हैं चेस ग्रीन एंड जैक राइडर। तो गाइस जैक राइडर तो आपको पता ही होगा गाइस कितने बड़े पुराने सुपरस्टार है WWE के, और गाइस यहाँ पर गाइस मैं चेस ग्रीन की बात करूँ तो गाइस फॉर्मर इम्पैक्ट नॉकआउट चैंपियन है वो, वहाँ पर उनका नाम था लॉरेन वेलनेस, और गाइस जैक राइडर को तो हम जानते हैं वो कितने सालों से WWE में, और गाइस वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो गाइस बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। तो नंबर 9 पर आते हैं, तो गाइस वो आते हैं टाइसन केड एंड नटालिया। तो गाइस ये कपल्स ही गाइस काफ़ी पुराने हैं, इनको भी गाइस हम काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं, वो WWE में है दोनों भी, और गाइस उन्होंने 2001 से गाइस उन्होंने डेट करना शुरू किया, और 12 साल उन्होंने डेट किया, और उन्होंने जून 2013 को शादी कर ली थी। गाइस नंबर 10 पर आता है हमारे करंट WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर एंड उनकी वाइफ सेबल। तो गाइस ब्रॉक लेसनर भी काफी पुराने सुपरस्टार है WWE के, और गाइस सेबल भी काफी पुरानी रेसलर है WWE की, और गाइस इनकी शादी हुई थी May 2006 में, और इनके दो बेटे हैं, एक का नाम है टर्क
और ड्यूक, और ये काफी पुराना कपल है WWE का। और अगर हम सेबल और ब्रॉक लेसनर को तो जानते हैं गाइस, ये काफी बेहतरीन सुपरस्टार है, इनके बारे में हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। पास बढ़ते हैं नंबर 11 की तरफ। तो नंबर 11 पर आते हैं अंडरटेकर एंड मिशेल मैककूल। तो गाइस अंडरटेकर द लेजेंड को तो आप जानते होंगे, अंडरटेकर का हम रेसलमेनिया की स्ट्रीक के तौर पर जानते हैं। और बात रही मिशेल मैककूल की, तो गाइस वो काफी बेहतरीन सुपरस्टार है WWE की। और गाइस ये अंडरटेकर की थर्ड वाइफ है मिशेल मैककूल, और अंडरटेकर की गाइस 3 शादी हो चुकी है। और गाइस एक फैक्ट बता दो गाइस, मिशेल मैककूल की जो बेटी है अभी तक उनकी आइडेंटिटी उन्होंने इंस्टाग्राम पे कभी डाली नहीं है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं गाइस, वो अपने बच्चों की पर्सनल सिक्योरिटी चाहती है, इसीलिए गाइस वो चेहरा छुपाती है। तो गाइस नंबर 12 के ऊपर आते हैं सारा स्लेगर एंड सोनिया देवल। तो गाइस इस लिस्ट में मैं सोनिया देवल को इसलिए मेंशन किया गाइस क्योंकि वो फर्स्ट एवर गे रेसलर है, जो कि गाइस उन्होंने ओपनली बताया है। और गाइस ऐसा पहली बार हुआ है कि WWE किसी गे रेसलर को लड़ने का मौका दिया है। और गाइस मैं आपको कमाल का फैक्ट बताऊं तो गाइस सारा स्लेगर गाइस वो सेथ रॉलिंस की एक्स गर्लफ्रेंड है, और नाउ गाइस वो सी डेट सोनिया देवल। तो आज बढ़ते 12वें नंबर के ऊपर। तो 12वें नंबर पर आता है रूसेव एंड लाना। हालांकि गाइस इनके टीवी पे गाइस लड़ाई झगड़े दिखाए जा रहे हैं और लाना चली गए हैं बॉबी लेस्ली के पास, लेकिन गाइस वो रियल लाइफ कपल है, तो गाइस स्टोरी लाइन ही है और गाइस ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है। और गाइस इनकी शादी हुई थी जुलाई 2016 में, और गाइस ये हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। और गाइस बात रही रूसेव एंड लाना की, तो गाइस ये काफी बेहतरीन सुपरस्टार है करंट WWE के। तो आज बढ़ते 13वें नंबर के ऊपर। तो 13वें नंबर पर आता है डीन एम्ब्रोस, यानी कि जॉन मॉक्सली एंड रेने यंग। तो गाइस डीन एम्ब्रोस को तो आप जानते होंगे, फॉर्मर शील्ड मेंबर है वो, और गाइस 2019 में गाइस वो WWE से बाहर निकल गए और वो चले गए थे AEW में। और बात रही रेने यंग की, तो गाइस वो अभी करंट कमेंटेटर है WWE की, और वो रॉ ब्रांड पे कमेंट्री करती है। उसके अलावा गाइस और वो WWE के बैकस्टेज शो में भी हमें देखने को मिलती है, जो कि आता है फॉक्स पर। और गाइस रेने यंग एंड जॉन मॉक्सली भी गाइस एक दूसरे को काफ़ी डेट कर रहे थे, लेकिन और अप्रैल 2017 में उनकी शादी भी हो गई थी। तो गाइस 14वें नंबर पर आता है सारा लोगन एंड एरिक, जो कि गाइस वाइकिंग रेडर के टैग टीम के मेंबर है, और गाइस दिसंबर 21, 2018 में उनकी शादी हो गई थी। अगर गाइस आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं, सारा लोगन गाइस राइट स्क्वाड की पार्ट थी, और वो टीम स्प्लिट होने के बाद सारा लोगन ने कुछ खास नहीं किया है, और एरिक आ चुके हैं मेन रोस्टर में, और वो और टैग टीम चैंपियंस के वो हाँ वन ऑफ द हाफ है। तो गाइस 15वें नंबर पर आता है एजे ली एंड CM Punk का नाम। तो गाइस ये कपल्स गाइस काफी लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, और इनकी शादी 13/2014 को इनकी शादी हुई थी। और गाइस हम सब जानते हैं गाइस ये कितने अच्छे कपल्स है, और गाइस ये काफी बढ़िया रेसलर है दोनों। और गाइस CM Punk तो हम जानते हैं काफी बेहतरीन सुपरस्टार है, और बात रही एजे ली की, तो गाइस वो काफी बेहतरीन दीवाज चैंपियन भी रह चुकी है। और 2014 में CM Punk ने WWE को छोड़ा था, लेकिन गाइस वो और वो हमें WWE बेस्टेज शो में अपना रिटर्न करते हुए नजर आए थे, जो कि फॉक्स पे आता, और हम होप करते हैं CM Punk मेन रोस्टर में भी हमें देखने को मिले। तो गाइस बढ़ते 16वें नंबर के ऊपर। तो 16वें नंबर पर आता है मैंडी रोज एंड टीनो सबेटेली। तो गाइस हम ऑन टीवी पे देख रहे हैं गाइस मैंडी रोज गाइस ओटिस के साथ नजर आ रही है, वो गाइस वो कपल्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं वो स्टोरी लाइन का ही हिस्सा है, और वो गाइस रियली एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे गाइस उनके। और बात रही टीनो सबेटेली की, तो गाइस वो अभी WWE में, तो गाइस ये अभी ऑफिशियली NXT को साइन कर चुके हैं, और ये इंडीज रेसलिंग में परफॉर्म कर चुके हैं। बात रही इनकी रिलेशनशिप की, तो गाइस ये अप्रैल 2018 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो गाइस बढ़ते 16वें नंबर के ऊपर। तो गाइस 16वें नंबर पर आते हैं माइक कर्नेलिस एंड मरिया कर्नेलिस। तो गाइस 2019 की स्टोरी देखकर गाइस आप शॉक हो गए होगे कि ये कपल एक साथ कैसे आ गए। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं, तो गाइस ये स्टोरी लाइन का ही हिस्सा था। गाइस ये 2010 से एंगेज थे, और 2014 में इनकी शादी हुई, और गाइस इनकी जो फर्स्ट डॉटर है गाइस वो बॉर्न हुई थी अप्रैल 3, 2018 में, और इनका नाम है फेडरिका। और जुलाई 2019 के रॉ के एपिसोड में मरिया ने अनाउंस किया था कि वो फिर से एक बार प्रेग्नेंट है, और जल्दी उनका और एक चाइल्ड आने वाला है। तो गाइस बढ़ते हैं 17वें नंबर के ऊपर। तो गाइस 17वें नंबर पर आते हैं चार्लोट फ्लेयर एंड तो गाइस जैसे कि हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं, आंद्रे द यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है, और चार्लोट फ्लेयर NXT वुमेन्स चैंपियन है। गाइस इन दोनों काफी बेहतरीन सुपरस्टार है, तो गाइस इन दोनों गाइस एक दूसरे को डेट कर रहे, तो गाइस ये काफी और फरवरी 2019 से ये सब पता चला कि आंद्रा दे एंड शार्लोट फ्लेयर एक दूसरे को डेट कर रहे। तो गाइस ये गाइस अभी भी डेट ही कर रहे हैं, इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, और गाइस शार्लोट फ्लेयर डेट कर रही है मैक्सिकन सुपरस्टार आंद्रा दे को। गाइस बढ़ते 18वें नंबर के ऊपर। तो 18वें नंबर पर आते हैं
ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन। तो गाइस ट्रिपल एच को तो गाइस हम सब जानते हैं कितने बड़े लेजेंड सुपरस्टार, और गाइस स्टेफनी मैकमैन को तो आप सब जानते हैं कि वो काफी पुराने टाइम से WWE में है, और गाइस वो WWE ओनर विंस मैकमैन की बेटी है जो कि गाइस विंस मैकमैन WWE को चलाते हैं। इनकी गाइस जो स्टोरी लाइन है गाइस वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गई थी, और गाइस ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए थे, और गाइस अक्टूबर 25, 2003 में गाइस इन्होंने शादी कर ली, और गाइस इन दोनों अभी WWE को संभाल रहे हैं, और गाइस ट्रिपल एच गाइस साथ में गाइस विंस मैकमैन के काम कर रहे हैं, और गाइस को WWE के साथ NXT को भी चला रहे हैं। तो गाइस बढ़ते हैं 19वें नंबर के ऊपर, तो 19वें नंबर पर आता है सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। May 13, 2019 में गाइस ये रिवील हुआ कि सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और गाइस ये ऑफिशियली रिवील हुआ था, और गाइस इन्होंने अपनी एंगेजमेंट अगस्त 22, 2019 में की थी, और गाइस विंस मैकमैन ने सोचा इन रियल लाइफ कपल को टीवी पर लेके आ जाए, और गाइस विंस मैकमैन ने गाइस ये चीज रियल लाइफ कपल को रियलिटी टीवी में भी लाया, और गाइस ये मंडे नाइट मरो में लेके आया, और लेकिन ये टोटली फ्लॉप हो गया। तो गाइस नंबर 20 पर आता है रोमन रेंस एंड गलीना बेकर। तो गाइस आप सबको रोमन रेंस को तो पता है गाइस रोमन रेंस कितने बड़े सुपरस्टार, लेकिन बात रही गलीना बेकर की, तो गाइस वो एक हाउसवाइफ है, और गाइस इनकी शादी हुई थी 6 दिसंबर 2014 में, और गाइस अभी इनको एक बेटी भी है जिनका नाम है जोली एनोआ, और गाइस हम होप करते हैं कि रोमन रेंस और भी अच्छा करे WWE में, फिट रहे, हेल्दी रहे और हमें एंटरटेन करे। तो गाइस करंट WWE कपल्स की लिस्ट हमारी यही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को नीचे लाइक कमेंट तो कहीं मत जाना, साथ कमेंट करके बताना कि इसका पार्ट 2 लाना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और गाइस अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पर भी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।